हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोका योके के बारे में कि पोका योके क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज आखिर में कहाँ पे करते हैं, इसका बेनिफिट के बारे में, इसका फायदा क्या होती है, इसका एग्जाम्पल के बारे में, आखिर पोके योके का कौन सा एग्जाम्पल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। अगर टॉपिक समझ आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं का कि पोका योके यहाँ पे क्या होता है। मैंने एक्सप्लेनेशन तो लिख के बताई, लिखी हुई क्या है कि पोका योके एक जापानी शब्द है, पोका का मतलब मिस्टेक और योके का मतलब यहाँ पे प्रूफिंग होता है। इसे हम लोग एरर प्रूफिंग और मिस्टेक प्रूफिंग भी कहते हैं। मानने का मतलब है कि पोका योके एक जापानी शब्द है, पोका का मतलब यहाँ पे मिस्टेक होता है। पोका मतलब यहाँ पे जापानी शब्द है, अब मिस्टेक का यहाँ पे इंग्लिश होता है, मीन पोका का मतलब यहाँ पे मिस्टेक बोल सकते हैं और हिंदी में इसे गलती बोल सकते हैं। ठीक है, योके का मतलब यहाँ पे जापानी शब्द है, अब इंग्लिश में योके को यहाँ पे कहा जाता है प्रूफिंग, मतलब हिंदी में जांचना बोल सकते हैं, मतलब गलती को जांचना एक तरह का पोका योका कहलाता है। ठीक है, एक तरह का पोका योका उसे हम कह सकते हैं। उसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एरर प्रूफिंग बोल सकते हैं, मतलब गलती को यहां पे जांचना। ठीक है, मिस्टेक प्रूफिंग भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, पोका योके एक यहां पे मेथड होती है जो गलती को डिटेक्ट करता है, उसको एक तरह का हम लोग पोका योके कहते हैं। ठीक है, यहां पे नीचे में देख सकते हैं लिखी हुई क्या है कि अब बात करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को शुरू किसने किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को शिगो शिंगो ने शुरू किया था 1960 दशक में। ठीक है, यही एक जापानी यहाँ पे व्यक्ति थे जिन्होंने 1960 में यहाँ पे इस दशक में इस कॉन्सेप्ट को, मिस मेथड को इसने शुरू किया था। आखिर में किस लिए शुरू किया था, हम आगे की ओर डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर में पोका योके क्या, यहाँ पर डिफिनेशन क्या है, उसका मेन या पर्पस क्या है, उसका यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लिखी हुई क्या है कि ये होता क्या है, यहाँ पर लिख के बताइए कि पोका योके एक मेथड है जो गलतियों से बचने में मदद करता है। इसका उद्देश्य मानव दोषों को रोकने या सुधारने की ओर ध्यान आकर्षित करके प्रोडक्शन डिफेक्ट को समाप्त करना, गलती को कम या खत्म या समाप्त करना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि पोके योके का डिफिनेशन कहने का मतलब है कि पोका योके एक यहाँ पर मेथड है जिसे प्रोसेस बोल सकते हैं या विधि बोल सकते हैं या प्रक्रिया बोल सकती है। ये प्रक्रिया के दौरान क्या होती है कि जो गलती होती है, गलती से बचने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, इस पोके योके का मेथड का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इसके यूजेज के तौर पर अगर बात करते हैं तो इसका यूज फैक्ट्री इंडस्ट्री में किया जाता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो या फिर कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री हो, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी गलती से भी गलती ना हो, इसी कारण इस मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं। अगर कभी गलती से कोई भी कस्टमर को गलती प्रोडक्ट पहुँच जाए तो वह कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचानी पड़ती है, इसी कारण इस मेथड का यूज किया जाता है इस गलती से बचने के लिए। ठीक है, मैंने उसको गलतियों को यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए ये मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन डिफेक्ट को यहाँ पर समाप्त करता है, कोई भी प्रोडक्शन में कोई भी अगर गलती होती है, डिफेक्ट होती है, तो उसको यहाँ पे पहले जांच लेती है कस्टमर को पहुंचने से पहले ही। ठीक, कस्टमर तक यहाँ प्रोडक्ट पहुंचने से पहले ही यहाँ पे पहचान में पहले यहाँ पे ये डिटेक्ट करके बताता है कि यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे ये कारण है। ठीक है, तो ये मेथड के सहयोग से हमें ये पता लगता है। ठीक है, यहाँ ये गलती को खत्म करने का प्रक्रिया होती है। इसका मेन उद्देश्य क्या होती है, मैंने यहाँ पर लिख के बताइए कि मेन उद्देश्य क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि पोका योके का शुरू करने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ लिखी हुई है, पोका योके का उद्देश्य यह है कि गलती से भी कोई गलती ना हो, अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है किसी प्रोसेस में जिससे प्रोडक्शन खराब हो जाता है, तो पोका योके का मेथड होता है कि कोई खराब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेना, जिससे खराब प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर खराब प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है तो इससे कंपनी को दिक्कत हो सकती है और कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है और कस्टमर को यहाँ पे कंपनी से भरोसा खत्म हो जाता है और कंपनी घाटे में चली जाती है। इसीलिए कंपनी में पोका योके मेथड का उपयोग किया जाता है ताकि गलती से भी गलती ना हो और प्रोडक्शन डिफेक्ट को समय से पहले जांच लिया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि पोके योके एक ऐसा यहाँ पे एक मेथड होती है, इसका मेन उद्देश्य होती है कि गलती से भी कि मनुष्य कोई गलती ना हो, अगर गलती अगर हो जाती है तो ये मेथड के सहयोग से पता लगा देते हैं। ठीक है, अगर गलती अगर कोई प्रोडक्शन का कंपनी अगर वहाँ कोई भी प्रोडक्ट को अगर बना रही है, अगर कस्टमर को खराब प्रोडक्ट अगर चली जाती है तो रेपुटेशन या कंपनी खराब हो जाती है, कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, उससे क्या
होती है कि अगर कंपनी आप धीरे धीरे यहाँ पे उसकी यहाँ पे घाटे में चले जाती है, तो ये चीज़ से यहाँ बचने के लिए इस ये मेथड का यूज किया जाता है पोका यूके का। ठीक है, जस्ट सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए आपने अमेज़ॉन से यहाँ पे एक यहाँ पे रेडमी का मोबाइल को ऑर्डर दिया। ठीक है, रेडमी नोट एस को आपने यहाँ पे मान लीजिए ऑर्डर दिया, आपको यहाँ पे 4 दिन के बाद यहाँ रेडमी का मोबाइल मिलता है, लेकिन नोट एस के जगह नोट यहाँ पे नोट 7 मिल जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे ज़्यादा पे किया यहाँ पे आपको, लेकिन जो प्रोडक्ट मिली यहाँ पे आपको कम पैसा वाला मिली और खराब प्रोडक्ट मिली, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपको अमेज़ॉन से भरोसा उठ जाएगा। दूसरी बार अपने दोस्तों से जब भी बात को शेयर कीजिएगा तो यही बोलेगा कि अमेज़ॉन बहुत खराब है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ पे यहाँ पे काम करता है पोके योके, यहाँ पे प्रोडक्शन पहुँचने से पहले कस्टमर्स को प्रोडक्ट पहुँचने से पहले वो डिटेक्ट करके बताता है कि आखिर में क्या चीज़ यहाँ गलती है, आखिर में कैसे डिटेक्ट करता है, ये चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में लिखिए कन्वेयर बेल्ट पर पैकेजिंग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट है कंपनी में, ये बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेन यहाँ पे काम होती है यहाँ पे कि एक मशीन लगी हुई जो पैकिंग करने का काम होती है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी आपके मोबाइल यहाँ पे जा रही है वहाँ पे पैकिंग कर दे रही है। ठीक है, अगर मोबाइल की जगह कोई भी दूसरी सामग्री गिर गई तो यहाँ पे पैकिंग कर देगी, पैकिंग करने में आगे की ओर भेज देगी, तो कस्टमर को क्या होगी, पहले ही यहाँ पे कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिलेगी तो यहाँ पे आपको खराब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, रेपुटेशन खराब होगी कंपनी का। तो ये चीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या करनी होगी, यहाँ पे एक सेंसर लगानी होगी कि आखिर में जो यहाँ पे इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको यहाँ डिटेक्ट करके आगे भेजेगी, तभी अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान इसके अंदर नहीं है, अगर दूसरी कुछ है तो यहाँ पे डिटेक्ट करके यहाँ पे दूसरी बेल्ट में यहाँ पे उसे गिरा देगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में यहाँ पर सेंसर लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगी, डिटेक्ट करके आगे की ओर भेजेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो खराब प्रोडक्ट होगी उसके नीचे गिरा देगी, तो यहाँ पे इस चीज़ से बच सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि पेपर कटिंग मशीन, मान लीजिए पेपर कटिंग मशीन में क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए इसमें पेपर कटिंग हो रही है, ठीक है, गलती से उसका आपका अंदर अगर हाथ चले जाते तो हाथ को भी कटिंग कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पे ध्यान से बचने के लिए क्या काम करना होगा कि पेपर कटिंग हो रही है तो यहाँ पे दोनों साइड सेंसर लगा दिए, सेंसर लगने से क्या होगी, जैसे ये गलती से अगर आपके हाथ चले जाए तो क्या होगा कि मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोके योके का मेन यहाँ पे काम ये हो जाता है, इससे लोग यहाँ पे बचते भी हैं, मनुष्य अपने शरीर को बचा भी सकते हैं इस पोके योके मेथड के सहयोग से। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताइए कि मोल टेप यूज, जैसे कि मान लीजिए कोई भी मनुष्य है यहाँ पे देखते हैं अगर मॉल में जाते हैं तो मॉल में क्या होती है कि वहाँ पे वॉशरूम में चले जाते हैं तो वहाँ पे एक यहाँ पे नल लगी होती है, पहले का नल क्या होती थी, नॉर्मल नल होती थी अपने घर की तरह ही। ठीक है, तो क्या होती थी, लोग यहाँ पे खुले यहाँ पे नल को छोड़ देते थे, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट चली जाती थी, तो क्या होती थी, इससे बहुत ज़्यादा लॉस आने लगा कंपनी को, मतलब मॉल को। ठीक है, तो अब क्या, वहाँ पे जो नल लगाते हैं वहाँ पे सेंसर वाला नल लग जाती है, सेंसर वाला नल लगने से क्या होती है, जब आप हाथ वहाँ लगाइएगा तो पानी गिरेगी और जब हाथ हटा दिएगा तो पानी वहाँ पे गिरना बंद हो जाएगी। तो क्या होगा कि हमें एक जो मनुष्य गलती करता है उस चीज़ से बचने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है सोप का खाली पैकेजिंग, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी सोप जा रही है, जब सोप जब जा रही है तो यहाँ पे आगे की ओर पैकेजिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर खाली सोप भी जाती है तो उसको भी पैकिंग कर देती थी मशीन। ठीक है, तो ये चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या पोके योके का मेथड यूज किया जाता है, यहाँ पे कोई सेंसर लगा देता है या फिर कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई फैन लगा सकते हैं कि कोई भी अगर कोई खाली पैकेज है तो क्या होगी, उड़िया के चले जाएगी, और जो भरी हुई पैकेट है जो साबुन की वहाँ पे आपको आगे की ओर चले जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज से देखने को मिलता है कि आपको पोके योके कैसे आप बच सकते हैं, आप इसके लिए क्या लगा सकते हैं, कौन सा सेंसर लगा सकते हैं, कौन सी मशीन लगा सकते हैं जो आपको डिटेक्ट करके बता दे कि आपको यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे ये कारण है, या फिर जांच करके बता दे, पहले मिस्टेक को वहाँ पे प्रूफिंग करके बता दे, जांच करके बता दे कि आपको ये डिटेक्ट है प्रोडक्शन में या फिर कहीं भी आपको यहाँ पे जो मनुष्य काम कर रहे हैं मशीन में तो वहाँ पे गलती से कोई हाथ ना घुसा दे, हाथ ना कट जाए तो वहाँ पर सेंसर लगा दीजिए। तो यहाँ पे पोके योके का सारे प्रोसेस पर काम हो, या प्रोडक्शन पे हो या इंडस्ट्री में हो या फैक्ट्री में हो, ये चीज़ पर यहाँ पे मेन यहाँ पर्पस होती है कि यहाँ पे सुरक्षित आपके प्रोडक्शन में निकले, आपकी कंपनी आप बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ चले, यहाँ पे आपके कोई भी यहाँ पे कस्टमर को, कोई भी एम्प्लॉय को, यहाँ पे किसी को भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करती है, यहाँ पे मेन आपका पर्पस यही है पोके योके का कि आपको गलती को यहाँ पे डिटेक्ट करके आपको पहले बता देती है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अगर बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है कंपनी को, यहाँ पे बहुत यहाँ पे लॉस जाने से बच जाती है कंपनी को, एक कस्टमर खोने से बच जाता है, कोई भी अगर मनुष्य है काम कर रहा है अगर सेंसर लगे हुए हैं मशीन से उसकी हाथ बच जाती है, उसका शरीर बच सकती है, वो सुरक्षित रह सकता है। तो इस तरह से आप पोके योके का मेन बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। मुझे आशा है कि आपको पोके योके बड़ी समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।